हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 117 सालों बाद राजयोग में महाशिवरात्रि, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये एक चमत्कारिक चीज, सफलता के लिए करें ये महा उपाय। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास माना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पुराण में ये बताया गया है कि जो भी इस दिन व्रत कर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए रात्रि प्रहर की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2020 महाशिवरात्रि पर बनने जा रहे शुभ योगों, व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों और इन शुभ योगों में किए जाने वाले मनोकामना प्राप्ति उपाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि पर बनने वाले शुभ योग क्या है। ज्योतिष अनुसार इस बार महाशिवरात्रि बहुत खास होगी, क्योंकि करीब 117 सालों के बाद महाशिवरात्रि पर शनि और शुक्र का दुर्लभ योग बनेगा। माना जा रहा है कि इस साल महाशिवरात्रि रात्रि पर शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होंगे, जो कि एक बेहद दुर्लभ योग है। शिवरात्रि पर इन दो बड़े ग्रहों का इस स्थिति में होना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुभ होगा। साथ ही ग्रहों की इस स्थिति में महादेव की पूजा कर शनि, गुरु, शुक्र के दोषों से भी छुटकारा पाया जा सकेगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में महाशिवरात्रि का पर्व 21 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 21 फरवरी शुक्रवार शाम 5:20 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 22 फरवरी शनिवार शाम 7:02 पर। निशीत काल पूजा का समय होगा रात्रि 12:09 से 1 बजे तक। पूजा की कुल अवधि 51 मिनट की होगी। महाशिवरात्रि पारण का समय होगा 22 फरवरी शनिवार सुबह 6:54 से शाम 3:25 तक। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें और शिव मंदिर जाकर विधि विधान के अनुसार महादेव का पूजन करें। रात्रि के चारों प्रहरों में आप अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और बिल्व पत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि श्रद्धा के अनुसार अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करते समय शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। अंत में शिव जी की आरती कर परिक्रमा कर लें। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में उन्हें बिल्वपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल का अभिषेक करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होकर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि भगवान शिव की मन से आराधना की जाए तो उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है। शिवलिंग पर चीनी अर्पित करें, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस महाशिवरात्रि भगवान शंकर को दूध अर्पित करें, क्योंकि दूध अर्पित करने से बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करें, दही के अभिषेक से सभी परेशानियों का अंत होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग में घी, केसर, चंदन या फिर शहद आदि चीजें अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर किया जाने वाला महा उपाय कौन सा है। महाशिवरात्रि के दिन बन रहे दुर्लभ योगों में किया जाने वाला एक ऐसा महा उपाय है जो न सिर्फ व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि उन्हें हर कष्ट से छुटकारा दिलाकर जीवन में यश, कीर्ति, सुख समृद्धि, मान सम्मान और सफलता दिलाता है। महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा ईशान कोण की तरफ मुंह करके करें, क्योंकि ईशान कोण के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। रात्रि प्रहर की पूजा में पूर्व दिशा में दीपक जलाएं और ईशान कोण की तरफ मुंह करके पूजा करें, इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष में महादेव का वास होता है, इसीलिए विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष की पूजा करें और इसके नीचे घी का दीपक जला दें। ये उपाय व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।